सर, सर आपका नाम हम जानेंगे सर। अशोक पासवान। किस पद के लिए प्रत्याशी है सर? मुख्य पार्षद पद के लिए। मुख्य पार्षद के लिए जी। सर आप मुख्य पार्षद के लिए है तो 14 वार्ड है जयनगर के अंदर में, सभी वार्ड में गए होंगे सर आप? जी जी, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सर। सर तो आप लोगों की समस्याओं को भी देखे होंगे 14 वार्ड में, क्या समस्या है नगर के अंदर में, क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं देखे हैं। सबसे जटिल समस्या सर वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 14 और 12, ये जल निकासी की प्रबल समस्या है। ये 3-4 वार्ड में और बहुत सारे समस्या है सर। आप चेयरमैन बन करके आते हैं तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? एकदम करेंगे सर। कैसे करेंगे, रीजन बताइए आप। 5 साल का रीजन बहुत बड़ी होती है और 5 साल में योजनाबद्ध तरीके से जो समस्या हमको मालूम है कि यहाँ के लोग बरसों से तरस गए जल निकासी के लिए, रोड के लिए, नहीं हो सका, नगर पंचायत के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और हम मतदाता मालिकों से को आश्वस्त करते हैं कि हमको जीतने के बाद इस समस्या को हम बहुत ही सुंदर ढंग से निपटा लेंगे। सर पूर्व में भी आप वाइस चेयरमैन रह चुके हैं जी, जी। सारी समस्याएं से अवगत हो गए। तो कैसे करेंगे, इसका विजन आप बताइए सर। विजन है हमारे पास, सब योजनाबद्ध तरीका से होगा सर। कुछ सरकार से लेके कुछ नगर पंचायत में जो आता है इसका फंड, उससे हम सबसे पहले जो जटिल समस्या है वार्ड 6-10 का और 12-13 का, उसको हम निपटा लेंगे सर। जीतने के बाद क्या कहते हैं ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, तो जनता को भूल करके अपनी विकास में लगते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भूलने वाले प्रत्याशी हम नहीं हैं, देख चुके हैं हमको 10 साल यहाँ के जनता। जनता को नहीं भूलेंगे आप? ना हम जनता को भूलेंगे और न जनता हमको अभी तक भूले हैं। इसीलिए आज जो है सो जिस हाथ से बैठा दिए हैं और ले रहे हैं हमको, हम देख रहे हैं सब, आपके माध्यम से हम बता रहे हैं। सर इतनी बड़ी टीम आपके पीछे है, इतने सारे लोगों को कैसे प्रभावित किया आपने? सर हम प्रभावित क्या करेंगे सर, तो हमें देख के हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए लोग खुद प्रभावित हैं। धन्यवाद। आप लोग क्या कहना चाहेंगे अशोक जी के लिए? आप लोग क्या कहना चाहेंगे अशोक जी के लिए? सक्षम नेता मानते हैं इसको? अध्यक्ष बनने के लिए गरीबों का नेता है, जिंदाबाद। अध्यक्ष बनने के लिए जो भी गुण चाहिए अशोक पासवान जी के अंदर, नगर अध्यक्ष बनने के लिए सारे गुण चाहिए। अशोक पासवान जिनका चुनाव चिन्ह है मोटर साइकिल छाप जो ईवीएम में क्रमांक संख्या 2 पर अंकित रहेगा, यानी एक के बाद दूसरा नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 10 अक्टूबर को यहाँ जयनगर नगर पंचायत का मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए बड़े ही धड़ल्ले से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है यहाँ के मुख्य पार्षद के प्रत्याशी अशोक पासवान जी। सर जानना चाहेंगे कि कब से चला रही है जनसंपर्क अभियान? तो चुनाव को लेकर कैसा माहौल तैयार हुआ है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत एक तरफा। हमको लगता है कि जितने भी मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं, शायद इस बार उनका जमानत जब्त होने वाला है, जनता जमानत जब्त करके ही रहेंगे। तो आपको ये जैसे कि भीड़ दिख रही है बहुत ज्यादा, तो उससे लग रहा है कि आपको जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है, तो जनता किस तरीके से आपको सहयोग दे रही है? जनता में एक अच्छा पहचान है, अच्छा काम किए हैं, इसीलिए जनता में खुशी की लहर है कि अशोक पासवान चुनाव जीत के जाए और अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से। अच्छा, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है, तो आप में से कोई बताएंगे कि ये क्या नाम है? हर चीज करने वाला है, हर चीज करने वाला है, करने वाला ही है, समाज से जुड़े हुए हैं। इस बार विजय होने जा रहे हैं और नगर के विकास के लिए लोगों ने एक ही संकल्प किया है, नगर का संकल्प है तो पासवान जी मुख्य पार्षद।